हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू द केम एफिनिटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसके अंदर आया है। तो क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एक हैंडसम अमाउंट स्टाइफेंड मिलने वाला है, तो कितना अमाउंट स्टाइफेंड मिलेगा, ये सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। देखो हमारे चैनल पे ऐसी जो यूनिक इन्फॉर्मेशन ये आपको देखने को मिलेगा एंड इंटर्नशिप रिलेटेड बहुत सारा अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पर कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बोटानी, मेरिन बोटानी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी और जीआईएस, इकोसिस्टम साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और बायो रिसोर्स, बायोलॉजिकल साइंस, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइफहुड, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल लॉ, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सब स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है द एप्लीकेंट परस्यूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, अगर आप पीएचडी भी परस्यू कर रहे हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना दिन का रहने वाला है ये जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 महीना एंड जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 18 अप्रैल 2023, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए इस इंटर्नशिप करने के लिए, देखो आपके खुद के लैपटॉप होना चाहिए इस इंटर्नशिप करने के लिए, देखो। और यहाँ पर कितना अमाउंट स्टाइफेंड मिलेगा, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छे मतलब हैंडसम अमाउंट स्टाइफेंड मिलेगा जो है 10,000 रुपीज पर मंथ। ये अगर आप मतलब कॉम्प्लीशन के बाद ही आपको जो ये स्टाइफेंड अमाउंट है वो मिलेगा, अगर आप बीच में छोड़ के चला आते हो तो आपको कुछ स्टाइफेंड नहीं मिलेगा। एंड अगर यहाँ पर कुछ रूल है कि अगर आप छुट्टी वगैरह ज्यादा करते हो तो उस हिसाब से जो स्टाइफेंड का अमाउंट है वो कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा कंप्लीटली मेरिट बेसिस पे होगा, ठीक है। सो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो लिंक है यहाँ पर आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डालना है। जो मेन काम है क्या है, यहाँ पर देखो बहुत सारे जो मिनिस्ट्री के अंडर जो इंस्टीट्यूट आता है वो यहाँ पर मेंशन कर रखे है, तो आपको क्या करना है आपके जो इंटरेस्ट है वो देखना है। सपोज मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉपर ये डाल दिया, ठीक है, देन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट आएगा इसमें एक आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट चूज करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ सकते हैं, ठीक है। देन ये चूज करने के बाद आपके जो स्ट्रीम है वो आप चूज करिए, ठीक है। सपोज मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो ये केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर ये है इंस्टीट्यूट है, सिर्फ एक पे ना जाके पहले तो आप पूरा सर्च करो और इसके ऊपर थोड़ा सर्च, गूगल सर्च वगैरह वो भी करो कि किस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या काम होते हैं एंड उसमें आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो ओवरलैप कर रहा है क्या, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं दूसरे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर बहुत सारे जगह पर जैसे चेन्नई, नागपुर, बेंगलोर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी एंड झारखंड, ये बहुत सारे जगह पे इसका जो डिपार्टमेंट है वो है, तो आपके मतलब जो शूट कर रहे हैं वो चूज करना है, ठीक है। तो मैं सपोज आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि चेन्नई चूज किया, देन उसके बाद डिसिप्लिन, देखो इसमें केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो आप किस में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। देन इसके बाद एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, देन आप कहाँ अभी परस्यू कर रहे हो आपकी स्टडी वो डालना है, देन कुछ एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है क्या, देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम साइज होगा 1 MB, ठीक है। देन जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो है मार्कशीट आपको अपलोड करना है, अगर आप ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हो तो जहां तक आपका सेमिस्टर हुआ है वहां तक जो मार्कशीट है वो यहां पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। देन सेकंड जो है वो है लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल इंडिकेटिंग देयर स्टेटस इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो ये क्या है, ये है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप मान सकते हो कि अगर आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्मेट रहेगा ना, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये आपके जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है उसमें ही, मतलब जो फॉर्मेट उन्होंने कर रखा है पहले से ही, वही फॉर्मेट यहाँ पर डाल दीजिए। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशन के दौरान आपको कहीं पर भी अगर छोटा सा भी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो यू आर द मोस्ट वेलकम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो यही था हमारा इंटर्नशिप रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगे, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।